السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دسمة سبق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. और सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम. अल्लाह ने फिर पेश किया उनको फरिश्तों पर और फिर कहा आदम अलैहिस्सलाम से, मुझे ख़बर दीजिए उन नामों की, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उन चीज़ों के नाम बतलाओ. अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने ले गया, उनसे फरमाया कि आदम से कहा, फरमाया कि उन नामों के नाम, उन चीज़ों के नाम बताओ जो मैंने आपको सिखाया है. नामों से मुराद कायनात में पाई जाने वाली चीज़ों के नाम, उनकी खासियतें और इंसान को पेश आने वाली मुख्तलिफ कैफियात का इल्म है. मसलन भूख, प्यास, सेहत और बीमारी. फरिश्ते तो इन सब चीज़ों से पाक थे ना, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इनके नाम सिखाए. इन चीज़ों की तालीम देते वक्त फरिश्ते भी मौजूद थे, लेकिन चूँका उनकी फितरत में इन चीज़ों की पूरी समझ नहीं थी, इसलिए जब उनका इम्तिहान लिया गया तो वो जवाब नहीं दे सके और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. वो बोल उठे, आप ही की ज़ात पाक है, जो कुछ इल्म आपने हमें दिया है उसके सिवा हम नहीं जानते, बेशक तू जानने वाला है और हिकमत वाला है. फिर सुने कहा, हम तो नहीं जानते. अच्छा, वो सॉरी, पीछे वाली आयत मैंने, यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया सब फरिश्तों से भी और आदम से भी कि मुझे इनामों की खबर दो जो मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम सच्चे हो तो. फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बताया था फरिश्तों ने, शायद फरिश्ते नहीं बता सके थे, मैं थोड़ी पीछे गलत वो बता गई. तो यहाँ पे फरिश्तों ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह ताला आपकी ज़ात पाक है, आप सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते. बज़ाहिर इन अल्फाज से ये मालूम होता है कि ये नाम सिर्फ़ आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे और फरिश्ते इसकी तालीम में शरीक नहीं थे. इस सूरत में इससे नामों के बारे में पूछना ये बताने के लिए कि था कि तुम में वो सलाहियत नहीं रखी गई जो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से मकसूद है. दूसरा एहतमाल ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम को सिखाते वक्त फरिश्ते मौजूद थे, लेकिन चूँका इनमें इन बातों को समझने या याद रखने की सलाहियत नहीं थी, इसलिए वह इम्तिहान के वक्त जवाब नहीं दे सके. इस सूरत में उनके जवाब का हासिल ये होगा कि हमें वही इल्म हासिल हो सकता है जो आप हमें देना चाहें, और इसकी सलाहियत हमारे अंदर पैदा, यानी याद करने की सलाहियत अगर अल्लाह पैदा करेगा तो याद होगी, अगर अल्लाह हमें याद करने की सलाहियत नहीं देगा तो वो चीज़ हमको याद नहीं होगी. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. अल्लाह ने कहा, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बता दो. बस जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको उन चीज़ों के नाम उनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन के राज जानता हूँ, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो, मुझे उस सब का इल्म है. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. और जब हमने फरिश्तों से कहा सजदा करो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, फसा जादू, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस शैतान के. अब्बा उसने इनकार किया, वस्तकबरा उसने तकब्बुर किया और वो काफरों में शामिल हो गया. फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत का इल्मी मुजाहरा और उनका इम्तिहान लेने के लिए उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया. ये सजदा इबादत का नहीं, ताज़ीम का सजदा था. बाज़ पिछली शरीयतों में जायज़ था, बाज़ में ताज़ीम के लिए भी अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने की सख्ती से ममानियत कर दी गई, यानी कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, ना ताज़ीम का सजदा ना कोई और सजदा. सजदा सिर्फ़ अल्लाह से करना है ताकि शिर्क का कोई शैबा ना रहे.
सजदा, ये सजदा करना इस बात का भी मुजाहरा था कि फरिश्तों को इस बात की तलकीन की जा रही है कि कायनात में जो चीज़ें उनके इख्तियार में दी गई हैं वो इंसान के लिए मुसख़्खर कर दी जाएं, ताकि ये देखा जाए वह इनको सही इस्तेमाल करता है या गलत। अगरचा बराह रास्त सजदे का हुक्म फरिश्तों को दिया गया था, मगर इसमें तमाम जानदार मखलूक़ात भी शामिल थीं, लिहाजा इबलीस जो जिन्नात में से था इस पर भी इस हुक्म की तामील लाजिम थी। लेकिन जैसा कि खुद कुरान करीम ने दूसरी जगह बयान फरमाया, वो अल्लाह ताला से कहने लगा कि मुझे तो तूने आग से पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, इसलिए मैं इससे अफसल हूँ, मैं इसको क्यों सजदा करूँ। तो उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। इस वाक़े से दो सबक मिलते हैं, एक ये कि अपने आप को बज़ात खुद दूसरों से बड़ा समझना और अपनी बड़ाई बयान करना बड़ा गुनाह है, और दूसरा सबक यह कि जब अल्लाह की तरफ से कोई वाज़े हुक्म आ जाए तो बंदे का काम यह है कि उस हुक्म को दिलो जान से बजा लाए, चाहे उसकी हिकमत और फ़ायदा समझ में आए या ना आए, दिमागी तौर पर हम उसे कबूल करें या ना करें, बस हमने उसको मानना है क्योंकि वो रब ताला का हुक्म है। وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا और हमने कहा आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जहाँ से चाहो जी भर के खाओ। वला तक़रबा हाज़िही शजरता, मगर इस दरख्त के पास भी मत जाना, वरना तुम ज़ालिमों में शुमार होगे। ये कौन सा दरख्त था, कुरान करीम ने इसकी वजाहत नहीं फरमाई, ना इसके जानने की ज़रूरत है। इतना जान लेना काफ़ी है कि जन्नत के दरख्तों में एक दरख्त ऐसा था जिसका फल खाने से उन्हें रोक दिया गया था। बाज़ रिवायात में है कि ये गंदम का दरख्त था, बाज़ में अंगूर का ज़िक्र है, मगर कोई रिवायत ऐसी नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके। والسلام جزاكم الله خيرا كثيرا.